बहुत शौक है ना तुझे माही दूसरों को पाठ पढ़ाने का। अब मैं तुझे पाठ पढ़ाऊंगा। और तुझे भी बड़ा शौक है ना दूसरों की हड्डी पसली तोड़ने का। अब लठ मारने की बारी मेरी है। अब ये वीडियो जाएगी पप्पू जी के पास। हाँ, मुझसे तो बिल्कुल नहीं देखा जा रहा, बहुत शर्म आ रही है। वाह, फिल्म जैसा लग रहा है। 18+। और फिल्म का नाम? बैंड बाजे के साथ चौक पे बारात, दुल्हन मनाए सुहागरात, आशिक के साथ। वाह 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 वाह, शाबाश। हेलो, ओफाया, क्या दृश्य दिखाया है? मन प्रसन्न हो गया, आत्मा तृप्त हो गया, और मैं धन्य हो गया यार, धन्य हो गया। गुड जॉब। अब जल्दी निकल वहां से। जी पप्पू जी।
मेरे सपनों में आना बंद कर रही है भाई। माता रानी किस मुसीबत में फंस गए हम। भाई उठ, भाई 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 उठ। भाई भाई हाँ भाई उठ जा। तू यहां क्या कर रही है? ये सब जोगी हम दोनों इस हालत में जोगी भाई यार यार मुझे खुद नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता कि ऐसे ये जो सब कुछ दिख रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे हमारी हालत देख जोगी, कुछ तो गलत हुआ है। नहीं, नहीं, माही कुछ गलत नहीं हुआ है। कुछ गलत नहीं हुआ है माही, मुझ पे भरोसा कर। देख माता रानी के सामने हम खड़े हैं, वो कुछ नहीं होने देगी, कुछ गलत नहीं होने देगी हमारे साथ। तुझे लगता है कि मैं कुछ गलत कर सकता हूं? पर तू यहां क्या कर रही थी? तू यहां कैसे आई? तुझे देखने आई थी डफर, पूरे संगीत में दारू पी के तू इधर उधर गिर रहा था, तो मुझे लगा पता नहीं तू ठीक भी है कि नहीं, तो तुझे देखने आई थी मैं। बेवकूफ हूँ, डफर हूँ मैं, इतनी बड़ी गलती कर दी मैं। नहीं यार, मैंने शराब नहीं पी थी माही, मैंने शराब नहीं पी यार। देख, मैं अपनी बेबे बीजी लाडो लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सबकी कसम खाता हूँ यार, मैंने शराब नहीं पी, मैंने लस्सी पी थी यार। और लस्सी पीने के बाद पता नहीं क्या है, वो मुझे चक्कर आने लग गए, सिर घूमने लग गया, और मैं मुझे कुछ याद नहीं उसके बाद क्या हुआ। भी यही हुआ, मैं बस तुझे देखने आई और एकदम से धुआं हुआ और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जोगी, क्या हमारे बीच कुछ गलत हुआ है? तू पागल हो गई? चलिए, तुझे बोलने के लिए दोस्त नहीं बोलता हूँ, दोस्त मानता हूँ,
और दोस्त का मतलब क्या होता है, उसके मायने क्या होते हैं, अच्छे से जानता हूं मैं। दोस्त और दोस्त की इज्जत क्या होती है ना, सब पता है मुझे। अपने दोस्त पे भरोसा कर, खुद पे भरोसा कर, हमारी परवरिश पे भरोसा कर। हम कभी कुछ गलत नहीं कर सकते यार। अपनी आंखें खोल जोगी। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे भी ऐसे ही कुछ रहा है कि कोई तो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा तू एक काम कर, तू कर जा, बाद में सोचते हैं इस बारे में। सब लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओ यार कहां फंस गए। और तुझे सही सलामत तेरे घर पहुंचाना पड़ेगा वरना क्लेश हो जाएगा। अधरानी सबने किया था मुझे घर से बाहर निकलने के लिए। क्यों आई मैं, अब किससे बात करूं इस बारे में। ओए वैसे तू बड़ी बड़ी मॉडर्न गर्ल बनी फिरती है। दुनिया की बकवास की परवाह तू कब से करने लगी यार। ये मॉडर्न गर्ल ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है जोगी, लेकिन अपने कैरेक्टर या अपने परिवार के ऊपर एक भी उंगली बर्दाश्त नहीं करेगी। और किसी के प्यो में भी हिम्मत नहीं है कि जोगी के होते हुए माही पे उंगली तक उठा दे। अब तूने सोच भी कैसे लिया, सोच भी कैसे लिया कि मेरे होते हुए तुझ पे या तेरे परिवार पे कोई उंगली उठाएगा है? इतना जाली नहीं है जोगी, दोस्ती की डील की है ना तो दोस्ती की डील निभाऊंगा भी, मर जाऊंगा पर दोस्ती पे आंच नहीं आने दूंगा। चल चल चल, ये रोने का वक्त ही है, तेरी जागो है, जल्दी चल, तुझे तेरे घर जाना भी है। पर कैसे जोगी, और मेरी तो मेहंदी भी उतर गई है जोगी। ओ यार तू मेहंदी की टेंशन मत ले, मैं लगवा दूंगा, अभी तेरा जाना जरूरी है यहाँ से। तक भागोगे मेरे प्रेम पंछियों? जोगी के फोन का कैमरा तुमसे तेज जूम होता है। हाँ।
क्योंकि जिंदगी में ना पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ गलत होने वाला है। ओए एगल कोई मैच नहीं हुई। जिस कुड़ी का दिल तेरी तरह साफ हो, वो करैक्टर तेरी तरह कड़क हो, उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया डरती है उससे। क्योंकि तू खुद ही बताना लोग क्या सोचेंगे, ब्याह वाले घर से दुल्हन ही गायब है। ओ एक मिनट शक्ल दिखा, तो माही है या कोई डुप्लीकेट है उसकी है? जिस माही को मैं जानता हूं ना, वो दुनिया की परवाह नहीं करती है। ओ तू घबराना, 2 मिनट में हमने घर पहुंच जाना है। ओ किसी को कुछ पता नहीं चलना की हुआ है। चल चल। ये तो मेरी ही जागो है। जोगी, तू ठीक है ना? आजा आजा। और हम पक्की पकड़े जाएंगे। तू घबरा ना, बस रब का नाम ले और पीछे ना मुड़ियो है। ध्यान पटकाने में ना मुझसे बड़ा कोई शेर है नहीं, मैं संभाल लूंगा। और जैसे ही तुझे टाइम मिले ना, खिसक जाइयो बस है, रुकी हो ना तू। अभी तो ये संगीत में दारू पी के टल्ली हो रहा था। हाय रब्बा, वो इस तबेले वाले लड़के को शर्म हया है कि नहीं? माँ और दादी कार में नहीं है, और ये कौन सी शॉल वाली लड़की को लेके आया और डिस्को करा रहा है? छी छी छी, दारू पी के ना आज इसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। वो देखो शॉल में लिपटी हुई सच्चाई। हाय 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 हाय, नाचना बंद करो और ये बताओ जरा, ये किसके घर की इज्जत को बेइज्जत कर रहा है? चल चल देखते देखते। आंटी जी,
तुसी वहां क्या कर रहे हो जी? आपको तो यहाँ होना चाहिए ना जी, आपकी कुड़ी की जागो है। हाँ, गाँव में नहीं तो जागो में खुशियां कैसे जागेंगी? आ जाओ जी इधर आओ। गली गली चमका रहा वे हुण, कुड़ी की मां नू दसो कोई, आ जाओ नचो साडे नाल, टाइम ना करो पास। चल अब कर जा, खुशी होगा। दोस्त कहा ना मुझे, तो बस दोस्ती का प्रॉमिस है, कुछ नहीं होगा। तू जा। मेरा बेहोश होना, माही का उसी वक्त आ जाना, उसके बाद वो तुआ और हमारा उस हालत में उठना, ये सब खुद ब खुद नहीं हो सकता। किसी ने तो किया है, इसकी तह तक तो पहुंचना पड़ेगा। साली साहिबा, ये शॉल ओढ़ के कहां से आ रहे हो? किसी से मिलके आ रहे हो क्या?